एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ अगस्त मंथ का फैब बैग और दिस इज द फैब बैग। इंट्रो में आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो ये ऐसा फ्लावरी पाउच में आया है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। ब्लैक में ये कलरफुल फ्लावर्स है और ये ऐसे ओपन होता है तो इसमें सारे प्रोडक्ट्स थे जो कि मैंने खाली कर दिए हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्लच जैसा ही है, बहुत सुंदर है। आप इसको लेटर ऑन भी यूज कर सकते हो। सो सबसे पहले आते हैं कुछ कार्ड्स। सो दिस मंथ थीम इज द ट्रायम्फ अगस्त फैब बैग और ये इंडिपेंडेंस डे फिट फैब बैग है। सो यहाँ पे उसका कलर ऐसा ही है, कुछ ट्रायम्फ उसी के हिसाब से है। इंडिपेंडेंस डे अगस्त में आता है इसीलिए। सो दिस मंथ हमें मिले हैं टोटल 5 प्रोडक्ट्स और उसमें से जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो आप खुद चूज कर सकते हो। इसीलिए मैं बहुत दिनों बाद मुझे लगा कि फैब बैग में इस बार काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए मैंने ऑर्डर की। ऐसे में नॉर्मली सब्सक्राइब नहीं करती हूँ। जिस मंथ में मुझे लगा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं देन आई यूजुअली परचेज। सो इसीलिए मैं अगस्त फैब बैग मुझे अच्छा लगा इस बार। आफ्टर सो लॉन्ग, आप देख सकते हो मेरे चैनल में कि मैं बहुत पहले फैब बैग मंगाती थी, बीच में वो अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं देते थे इसीलिए मैं नहीं मंगाई। तो चलिए देखते हैं। सारे प्रोडक्ट्स तो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, उसको अप्लाई करने के बाद मुझे कैसा फील होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो है ये बॉडी स्क्रब एंड दिस इज फ्रॉम मॉम्स थेरेपी कॉफी बॉडी स्क्रब और ये शायद फुल 50 ग्राम का है और आपका क्वांटिटी देख सकते हो पूरा बिल्कुल भरा हुआ है। नॉर्मली कॉफी बॉडी स्क्रब है मतलब कॉफी की तरह ही स्मेल हो रहा है। इसे मैं यूज करूंगी पहले, फिर मैं इंस्टाग्राम में इसका अपडेट जरूर दूंगी। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और सेकेंड जो मुझे मिला है वो है ये पामर्स का शिया बटर बॉडी लोशन और इसके लिए भी आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए चॉइसेस थे और एक बॉडी लोशन था, आप वो चूज कर सकते हो। सो आई चूज दिस वन। इट मीन्स इस बार 3 प्रोडक्ट सिलेक्शन थे और 1 मंथ सब्सक्रिप्शन में भी प्रोडक्ट सिलेक्शन थे। नॉर्मली क्या होता है फैब बैग जो 3, 6 या 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनके लिए ही प्रोडक्ट सिलेक्शन देता है, सिंगल मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं देता। इसीलिए मुझे इस बार अच्छा लगा कि हम खुद का प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड। सो दिस इज माई सेकेंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ये डिस्गाइज कॉस्मेटिक्स का ये मल्टी स्टिक है। इसमें लिखा है डिस्गाइज वेलवेट ग्लो मल्टी स्टिक और इसमें मैंने चूज किया है शैंपेन मूनशाइन और इसका प्राइस है 600 रुपीज। फैब्रिक का इटसेल्फ प्राइस है 599, इट मीन्स ऑलमोस्ट 600 रुपीज और ये सिंगल प्रोडक्ट है 600 रुपीज का। और आपको तो पता ही है डिस्गाइज कॉस्मेटिक्स इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रांड और आप देख सकते हैं ये ऐसे है, पैकेजिंग बहुत स्टडी बहुत क्लासी है और जैसे कि मैं पहले भी स्वॉच दिखा चुकी हूँ ये काफी क्रीमी है। मैंने ये अप्लाई किया है आई शेडो की तरह, हाईलाइटर की तरह और डस्की स्किन टोन में ये शैम्पेन वाला मतलब बहुत ही नेचुरल ग्लो दे रहा है। हालांकि मुझे लगा थोड़ा सा ये क्रीज कर रहा है, मतलब काफी आई शेडो की तरह ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये थोड़ा क्रीज कर रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है जो कि मैंने मार्क किया क्योंकि इट मीन्स ऑलमोस्ट 1 आवर पहले मैं अप्लाई की थी। उसके बाद मेरा कुछ काम था मैं वो की तो वो मैं देखना चाहती थी ये कैसा काम कर रहा है तो मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल बिट क्रीज कर रहा है जिसको आपको ब्लेंड करना पड़ेगा फिर से। और अदरवाइज ये काफी अच्छा एक हाइलाइटर की तरह काम करेगा और आई शेडो की तरह। सो हाइलाइटर की तरह मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, बहुत ही सटल ग्लो दे रहा है। मुझे इतना मतलब हाइलाइटर इतना पसंद नहीं क्योंकि वो बहुत चंकी लगता है, वो कैमरे में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
लेकिन ये वाला ऐसा लग रहा है जैसे कि आप फाउंडेशन के साथ कुछ मिक्स करके लगाए हो, जैसे कि स्ट्रॉप क्रीम्स वगैरह होता है, वो ऐसा ही एक सटल ग्लो दे रहा है। सो इसीलिए मुझे हाइलाइटर की तरह यह काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये ऐसे रिट्रैक्टेबल वाला है, आप देख सकते हो प्रोडक्ट यहाँ पे। सो ये मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मल्टी स्टिक है, आप इसको लिप हाइलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हो। लिपस्टिक के ऊपर थोड़ा सा आपको अगर शाइनी मतलब शाइन लिपस्टिक पसंद है तो आपको थोड़ा इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये शाइन करेगा। सो ये मल्टी स्टिक है, आप किसी भी तरह इसको यूज कर सकते हो। सो दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट। सेकेंड जो है अगेन डिस्गाइज कॉस्मेटिक्स के, ये लिक्विड लिप क्रीम, और यहाँ पे लिखा है डिस्गाइज फेदर लाइट मैट लिक्विड लिप क्रीम। यहाँ पे फेदर का एक सिंबल भी है और इसका प्राइस है 700 रुपीज। बट द पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज दैट मैंने इसका एक न्यूड शेड मैंने ऑर्डर किया था, मैंने चूज किया था जिसका कुछ रोज ऐसे कुछ शेड था, लेकिन मुझे उन्होंने इंस्पायर्ड रेड दिया है। सो फैब्रिक, इफ यू आर वॉचिंग मी देन नेक्स्ट टाइम प्लीज लुक आफ्टर दिस। मतलब ऐसे हम प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आप लोग ऑप्शन देते हो, हम चूज करते हैं, देन अगेन आप कंफर्मेशन मैसेज देते हो दैट आर यू कंफर्म दैट आपने ये चूज किया है करके, एंड डूइंग सच ब्लंडर। सो मुझे एक्चुअली न्यूड शेड बहुत पसंद है, रेड क्या होता है या फिर मरून, ये सब क्या होते हैं आप ओकेजनली वेयर कर सकते हो, और न्यूड शेड क्या होते हैं आप डेली बेसिस में यूज कर सकते हो, डे टाइम में आराम से यूज कर सकते हो। तो मुझे इसीलिए न्यूड शेड ज्यादा पसंद होता है। इसका एप्लीकेटर कुछ इस तरह है, बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हो जाता है, बहुत रियली फेदर लाइट ही है, काफी अच्छा टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है ये, और ट्रांसपोर्ट प्रूफ भी है और मॉइस्चराइजिंग भी है। इतना ड्राई नहीं लग रहा है जैसे लिक्विड लिपस्टिक्स लगते हैं नॉर्मली। अच्छे लिक्विड लिपस्टिक्स भी बहुत ड्राई लगते हैं, चैपी लगते हैं, लेकिन ये काफी अच्छा है, बिल्कुल फेदर लाइट है। सो आई एम हैप्पी। एंड फाइनली ये मुझे मिला है, ये एक नेल पेंट, एक न्यूड शेड में है, बहुत ही अच्छा है, और इसमें लिखा है कलर एफेक्ट्स न्यूयॉर्क परफेक्ट स्टे नेल इनामेल। इसमें आपको आपको कलर सिलेक्शन नहीं है, दे विल रैंडमली सेंड यू अ कलर। तो ये मैंने अप्लाई किया हुआ है, काफी क्विक ड्राई था, शाइनी नेल इनामेल है, मैट नहीं है, बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छा लगा मुझे। सो इस बार ये 5 प्रोडक्ट्स मुझे मिले हैं फैब्रिक में, जिसे यूज करके मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, एंड आई एम हैप्पी विद दिस मंथ फैब्रिक। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो देन ये इसका प्राइस है 599 रुपीज फॉर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन। आप फर्दर ज्यादा मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको गुड डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन गो फॉर इट। रियली फैब्रिक इज वेरी गुड, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। सो ये था आज के वीडियो के बारे में, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टाटा।